पाली रोड पर नकली घी की गाड़ी को जब्त किया। पुलिस ने स्त्री मूल ब्रांड के घी की गाड़ी को पकड़ा है। जोधपुर के डीमार्ट के सामने नाकेबंदी के दौरान ये घी के डिब्बे गाड़ी में ले जाए जा रहे थे। सूचना पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी रजनीश शर्मा भी मौके पर पहुंचे। जोधपुर स्थित विवेक विहार पुलिस ने पाली रोड पर नकली घी के गाड़ी को जब्त किया। पुलिस ने श्री मूल ब्रांड के घी की गाड़ी को पकड़ा है। जोधपुर के डीमार्ट के सामने नाकेबंदी के दौरान ये घी के डिब्बे गाड़ी में ले जाए जा रहे थे। सूचना पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी रजनीश शर्मा भी मौके पर पहुंचे। जोधपुर में नकली घी की गाड़ी को पकड़ा गया है। श्री मूल ब्रांड के नकली घी की गाड़ी को पकड़ा है। जोधपुर से नकली घी की गाड़ी को पकड़ा है पुलिस ने। डीमार्ट के सामने विवेक विहार थाना इलाके में पुलिस ने श्री मूल ब्रांड के नकली घी को जब्त किया है। नकली घी की गाड़ी को पकड़ा है। जोधपुर से ये खबर है जहां श्री मूल ब्रांड के नकली घी को पकड़ा गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता जगदीश लोहार जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगदीश, एक नकली घी की गाड़ी को पकड़ा गया है, किस ब्रांड का ये घी था और किस तरह से ये पकड़ में आई? हेलो जी जगदीश, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? हाँ, जी जगदीश, एक नकली घी की गाड़ी को पकड़ा गया है, किस ब्रांड का ये घी है और किस तरह से ये पकड़ में आया? बिल्कुल बताना चाहूंगा, जोधपुर के पाली रोड से ये कार्रवाई की गई है। जो डी मार्क मामले के नाकाबंदी के दौरान गाड़ी में घी के डिब्बे जो ले जाए गए थे, तो उन पे पुलिस के नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई की गई है और काफी मात्रा में बरामद किया गया। ये जोधपुर के विवेक विहार थाना पाली रोड पर निकली गाड़ी को जांच के दौरान ये घी पाया गया है। फिलहाल पुलिस सैंपल लेके उनकी जांच की जा रही है। निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि ये जो नकली घी और नकली जो फूड है उनके अंकुश लगाने के उद्देश्य से लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसी के उद्देश्य से ये जोधपुर में पाली की ओर से ये कार्रवाई की गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश, आपका तमाम जानकारी के लिए।